हे गाइस, तो इस बार हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो उसी इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग पबजी ने हम लोगों को यहाँ पे एक इवेंट दी है जिससे आप लोगों को परमानेंट पैराशूट मिलने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि इवेंट के अंदर जाइए, इवेंट में जाने के बाद आपको रिकमेंड एज के अंदर जाना है और इसी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे थर्ड नंबर पर इवेंट देखने को मिलेगी इनक्रेडिबल इंडिया। तो आप लोगों को सिंपली इसके अंदर चले जाना है। अब गाइस, इस इवेंट को अगर आप लोग ऐसे खोलोगे ना तो आपको अच्छे से कुछ भी नहीं दिखने वाला। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को सिंपली रोटेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद आप लोगों को अच्छे से इस इवेंट के बारे में पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सेलिब्रेटिंग 74th इंडिपेंडेंट डे इनक्रेडिबल इंडिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इवेंट का टाइमिंग दिखा देती हूँ। ये इवेंट जो है वो 10 अगस्त मतलब कि आज से स्टार्ट हुई है और 24th अगस्त तक चलने वाली है। और इस इवेंट के अंदर आप लोगों को टोटल पहले तो यहाँ पे 9 लोकेशन देखने को मिलेंगे और इसी 9 लोकेशन के रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग रिवॉर्ड्स भी है। तो यहाँ पे सिंपली रिवॉर्ड्स के अंदर आप लोग देखोगे तो लोकेशन फर्स्ट के अंदर आप लोगों को एजी कार्ड सप्लाई और यहाँ पे क्लासिक की स्क्रैप मिलेंगे। हर लोकेशन के रिलेटेड आप लोग यहाँ पे रिवॉर्ड्स देख सकते हो। और गाइस, लास्ट में लोकेशन 9 पे आप लोग देखोगे तो आपको एक आउटफिट मिलने वाला है टाइम लिमिटेड। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलने वाली है बाइक की स्किन। और लास्ट में आप लोग पैराशूट देखोगे तो उस पर कुछ भी टाइमिंग वाइमिंग नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को परमानेंट पैराशूट मिलेगा। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू कलेक्ट फ्लिप। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फ्लिप कलेक्ट करनी है। वो फ्लिप आप लोग कैसे कलेक्ट करोगे, तो फर्स्ट पे है कंप्लीट डेली मिशन टू कलेक्ट पबजी एम फ्लिप। तो आप लोगों को डेली मिशन कंप्लीट करके फ्लिप कलेक्ट करनी है। और सेकंड पे आप लोगों को यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। डेली क्विज में आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों क्वेश्चन के आप लोग करेक्ट आंसर दे दोगे तो ईच क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे एक फ्लिप मिल जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को टोटल 6 फ्लिप मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कहाँ पे है वो आप लोग देखिए। तो यहाँ पे कलेक्ट फ्लिप जो लिखा है उसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे डेली मिशन है 3 और उसके राइट साइड में आप लोग देखोगे तो डेली क्विज है यहाँ पे 3। तो पहले डेली मिशन आपको कंप्लीट करने हैं, एक मिशन का आपको यहाँ पे एक फ्लिप मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक फ्लिप मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में है तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु कम्पोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। आई यू श्योर, तो यहाँ पे पूछ रहे कि क्या आप श्योर हो। मेरा आंसर करेक्ट हो गया। करेक्ट होने के बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया। अच्छा, 18। तो यहाँ पे 18 सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो गाइस, कौन सा है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको पता है? मुझे भी पता है, मुंबई है। तो चलिए, यहाँ पे मुंबई मैंने आंसर कर दिया तो मुझे यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आंसर देने पे 3 फ्लिप मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे डेली मिशन कंप्लीट करने पे एक और फ्लिप मिली, मतलब कि मुझे टोटल 4 फ्लिप मिली। उसके बाद आपको सेंड फ्लिप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग फ्रेंड को भी फ्लिप सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास फ्लिप है एक्स्ट्रा तो आप लोग अपने फ्रेंड को भी यहाँ से सेंड कर सकते हो। अब इस फ्लिप को आपको यूज़ कैसे करना है वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लोकेशन है ना उस पर आपको क्लिक करना है, एक दिन का एक लोकेशन उसके अंदर 6 फ्लिप। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लोकेशन पे क्लिक करती हूँ तो देखिए टोटल 6 यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं और मेरे पास 4 फ्लिप है। तो अब आपको यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके अपने फ्लिप को यूज़ करना है। तो एक फ्लिप मैंने किया, यहाँ पे मुझे एजी कार्ड मिल गया। उसके बाद सेकेंड फ्लिप कर लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक कूपन मिल गई। उसके बाद यहाँ पे थर्ड फ्लिप और कर लेते हैं तो यहाँ पे मुझे एक और कूपन मिली। और यहाँ पे फोर्थ फ्लिप पे क्या मिलता है देखते हैं, तो यहाँ पे एक और कूपन मिल गई। आई होप आप लोग पूरी इवेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट में परमानेंट पैराशूट मिलने वाला है, उसको लेना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इनक्रेडिबल इंडिया।